हेलो दोस्तों, त्योहारों का मौसम चल रहा है और घर में मिठाई ना हो ऐसा हो सकता है क्या? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मार्केट हम जा नहीं सकते हैं, मिठाई हम ला नहीं सकते हैं, तो चलिए घर में हम बढ़िया सा रसगुल्ला या रस मलाई बना करके तैयार करते हैं। तो रस मलाई बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड मैंने 1.5 लीटर गाय का दूध ले लिया है। और अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप भैंस के दूध को किस तरह से यूज करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ 3 पैकेट यानी कि 1.5 लीटर मैंने गाय का दूध ले लिया है, इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो गाय का दूध लेने से फ्रेंड्स इसमें फैट कम होता है, घी कम बनता है, तो आपका रसगुल्ला जो है ना वो एकदम ऑयली यानी घी वाला नहीं होता है, एकदम फ्लफी और लाइट बनाने के लिए आपको जिस मिल्क में जिस दूध में कम फैट हो उस तरह का दूध यूज करना होता है। तो देखिए बातों बातों में हमारा दूध जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आप इसे नींबू से या विनेगर से जिससे चाहें उससे फाड़ सकते हैं, इसका हमें छेना बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नींबू का यूज किया है, तो मैंने 2 नींबुओं को, छोटी साइज का नींबू था, 3 से 4 चम्मच आपको नींबू का जूस होना चाहिए और उतना ही आप पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से आप दूध को फाड़ लेंगे। इनकेस आपका दूध इतने नींबू में या इतने मिक्सर में नहीं बनता है तो थोड़ा सा नींबू पानी और पानी मिक्स करके आप इसे और बना करके फाड़ लीजिए, जब तक कि आपका दूध और पनीर दोनों देखिए इस तरह से अलग ना हो जाए, पानी जो है एकदम इस तरह से ग्रीन दिखना चाहिए। इतनी देर तक आपको नींबू का जूस इसके अंदर डालना है। तो आपका यहाँ पे छेना बन करके तैयार हो जाता है। चलिए अब इसे फटाफट से हम छान लेते हैं। तो एक छन्नी पे एक पतला सा कपड़ा लगा लीजिए और इस तरह से पनीर को आप इस छन्नी में डाल दीजिए। पानी अलग हो जाएगा, आपका छेना अलग हो जाएगा। छेने को अच्छी तरह से हमें सादे पानी से धो लेना है ताकि जो भी नींबू का खट्टापन इसके अंदर है वो निकल जाए। आप नल के नीचे भी पनीर को अच्छी तरह से धो सकते हैं। अब आप एक सेटअप तैयार करिए इस तरह से और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ओजन रख करके 10 से 15 मिनट के लिए ही हमें दबा करके रखना है, इससे ज़्यादा हमें दबाना नहीं है। अब देखिए छेने में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, एक्स्ट्रा पानी था, वो निकल गया है। हल्का हल्का मॉइस्चर इसके अंदर हमें रहने देना है, हमें इसका पनीर नहीं बनाना था, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मॉइस्चर ही रहे उस तरह से निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है। अब इसमें 4 से 5 कप आप पानी आराम से डाल सकते हैं और थोड़े बड़े मुंह वाला बर्तन लीजिए ताकि आपकी रस मलाई काफ़ी बढ़िया से इसके अंदर बॉईल होके पक सके। अब 2 से 3 इलायची को भी खोल करके हमने इसमें डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे हम धीरे धीरे पकने देंगे। तब तक यहाँ हम अपने पनीर को इस तरह से मसल करके एकदम सॉफ्ट करना है। पनीर को एकदम हमें सॉफ्ट करना है, इसमें दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने हथेलियों से इसको रगड़ रगड़ के एकदम बढ़िया से सॉफ्ट कर लीजिए। तो देखिए हमने पनीर को एकदम बढ़िया से सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ 1 से 1.5 चम्मच में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा, बिना कॉर्नफ्लोर के भी बहुत ही बढ़िया सा आपका ये छेना बन करके तैयार होगा। बस इसे मसलना अच्छी तरह से। देखिए हाथ में घी निकलने लग गया है, जो भी घी था छेने के अंदर वो रिलीज होने लग जाएगा, आपको पता चलेगा और आपका छेना एकदम बढ़िया से इकट्ठा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। जिस तरह से आप आटे का सॉफ्ट सा डो लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा। अब एक छोटे से बॉल को हम तोड़ करके गोल करके देखेंगे, एकदम बढ़िया सा क्रैक फ्री आपका बॉल बनता है, इट मीन्स ये तैयार हो चुका है। और इसमें से घी भी देखिए कितना बढ़िया सा निकल रहा है। अब हमें सैंडविच बनाना है तो इसे हम हल्का सा चपटा करेंगे। मैं छोटी छोटी साइज़ का सैंडविच बना रही हूँ, आप थोड़े बड़े से भी इसको बना सकते हैं। और इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए हम चौरस कर लेंगे और ऐसे ही हम क्रैक फ्री चौरस बना करके रेडी कर लेंगे। आप इसी तरह से गोल गोल बना करके रसगुल्ले भी बना सकते हैं, छोटे छोटे बॉल्स तोड़िए, एकदम क्रैक फ्री बॉल बनाइए
और फिर हम इसके रसगुल्ले बना सकते हैं। तो यहाँ हम सैंडविच बना रहे हैं, तो इस तरह से मैं चौरस चौरस कर ले रही हूँ, एकदम बढ़िया सा क्रैक फ्री। तो मैं बता रही थी भैंस का दूध हम कैसे यूज कर सकते हैं। फुल फैट क्रीम वाला दूध है आपके पास, दूध को एकदम बढ़िया सा आप बॉईल कर दीजिए और अच्छी तरह से उसको ठंडा कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। उसकी मलाई को आप निकाल लीजिए और जो नीचे का दूध बनता है उसको सेम इसी तरह से छेना बना करके आप रसगुल्ले बना सकते हैं, बहुत बढ़िया से बनेंगे आपके। तो देखिए यहाँ हमारी चाशनी बन चुकी है, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था, जब तक हमने सैंडविच को बनाया तब तक हमारी यहाँ चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। और इसे हमें चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है, बिल्कुल भी चाशनी की तरह नहीं बनाना है। एक एक करके हम सैंडविच इसके अंदर डालते जाएंगे। देखिए सैंडविच अभी ऊपर तैर रहा है, एकदम सारे सैंडविच ऊपर तैरेंगे और आसानी से पक सके। इस तरह से आपको खुले मुंह वाला बर्तन का यूज करना है ताकि जो हमारे रसगुल्ले हैं वो आपस में टकराएं नहीं, टकराते हैं तो टूट जाते हैं या तो कम फूलते हैं। तो एक एक सैंडविच हम इस तरह से अंदर डाल देंगे और इसे गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए 2 से 3 मिनट के लिए खुले ही हम पकाएंगे। पहले इसे 2-3 मिनट के लिए आप खुले पकने दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें ढक्कन लगाइएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर उबाल आ रहा है। इसी तरह से हमें इसे बॉईल करना है, बहुत ही बढ़िया से इसके अंदर बॉईल आ रहा है। मैं ढक्कन खोल के आपको दिखा दे रही हूँ, हल्के हाथ से मैं इसे हिला दे रही हूँ, जो भी रसगुल्ले या सैंडविच हमारे बाहर हैं सब बीच में आ जाएं। एक बार उलट पलट दीजिए आप, इसको टच करते समय आप बहुत ध्यान रखिएगा कि एकदम हल्के हाथ से इसको आपको छूना है। और आप इस रसगुल्ले या सैंडविच को छुएंगे नहीं फिर भी चलेगा, एक बार आप ढक्कन लगा दीजिए और हल्के हाथों से दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ के इस तरह से हिला दीजिए, फिर भी चलेगा। इससे होगा ये कि आपके कढ़ाई में जो गैस बनी हुई है अच्छे से बबल्स आए हुए हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगे और आपके रसगुल्ले टूटने के भी चांस नहीं रहेंगे। मुझे आपको वीडियो में दिखाना है इसलिए मैं खोल करके दिखा रही हूँ, वरना इसे इसी तरह से ढक्कन लगा करके ही आपको पका लेना है। तो बीच बीच में इस तरह से हम कढ़ाई को हिला करके और इसे पका लेंगे। जब भी आपको लगे कि चाशनी कम हो रही है, गैस की दूसरी तरफ पानी को गर्म होने के लिए रख दीजिए और चम्मच से एक एक चम्मच करके पानी आप इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। देखिए आपकी जो सैंडविच है डबल हो गई है, हमने कितनी छोटी छोटी बना करके डाली थी और ये काफ़ी साइज़ में डबल हो गई है। और इसके पकने की ये निशानी है कि सारी सैंडविच जो है आपकी नीचे बैठ गई है। पहले ये तैर रही थी एकदम ऊपर तक, अब देखिए ये हैवी होके नीचे बैठ गई है। तो गैस की फ्लेम को हम सिम कर देंगे और इसकी जो जालियाँ बनी हैं उसको लॉक करने के लिए एकदम ढेर सारा बर्फ़ वाला पानी लीजिए, चिल्ड पानी, और उसमें इस तरह से एक एक उठा करके सैंडविच को आप डाल दीजिए। तो सेम प्रोसेस में आपको रसगुल्ले भी बनाने हैं, गोल गोल बनाइए और इसी तरह से पानी के अंदर डाल दीजिए, खूब बढ़िया से आपके रसगुल्ले एकदम स्पंजी से बन जाएंगे। अब सारे सैंडविच को हमने पानी में ट्रांसफ़र कर दिया है, बर्फ़ वाले पानी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये चाशनी बची हुई है इसे हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से पका लेंगे। एक्स्ट्रा चाशनी, एक्स्ट्रा चीनी हमें इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी पानी को हम अच्छे से गाढ़ा करके मीठा कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पानी में रसगुल्लों को डाल दिया है, सैंडविच को डाल दिया है, तो ये फीके हो गए हैं, बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रहे हूँ कितने स्पंजी हमारे ये सैंडविच बने हैं। आप गोल गोल बनाएंगे तो ये रसगुल्ले भी बन जाएंगे। तो देखिए मैंने हाथ से दबा करके आपको दिखा दे रही हूँ कि कितने बढ़िया से सॉफ्ट एकदम आपके स्पंज बन करके तैयार हो चुके हैं। जब हम इसे निचोड़ते हैं, इस तरह से दबाते हैं, तो इसका एकदम से जूस निकल जाता है बाहर। फिर पानी में जैसे ही हम चाशनी में डालते हैं तो ये फिर से उसी तरह से फूल जाता है। तो देखिए कितनी सारी चाशनी इसने पिया है, जैसे हमने इसमें डाला तो ये सारी चाशनी को पी लेता है। दूसरी तरफ देखिए गैस की फ्लेम को मैंने अब हाई करके और चाशनी बना लिया, कितनी बढ़िया सा ये चाशनी बन गया है। आपकी चीनी भी एक्स्ट्रा नहीं लगी है और जो रसगुल्ले का पानी था वही गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सैंडविच में से पानी को हल्के हल्के हाथों से दबा करके निकाल देंगे। सारे पानी को आपको निकाल देना है क्योंकि अब हमें सैंडविच बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम
हाथ से हल्के से प्रेशर देंगे, बहुत ज़ोर से प्रेशर मत दीजिएगा। अब बीच में से इसे हम काटेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी हुई है। अब इस मीठी वाली चाशनी में इस सैंडविच को हम डालते जाएंगे। अब हमारे ये जो सैंडविच है वो मीठे हो जाएंगे, मीठे भी तो करना है ना हमें इसे। तो इस तरह से सारे सैंडविच को मैंने बीच से काट करके और इस चाशनी में डाल दिया है। तो जितनी चाशनी इसे पीनी थी इसने पी लिया है। अब इन सबको हम एक बाजू रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर रबड़ी बना करके पहले से ही फ्रिज में रख दिया था। रबड़ी बनाने के लिए आधे लीटर दूध को खूब बढ़िया से आप बॉईल कीजिए। जब वो आधे से कम रह जाए तब उसमें अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए और आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने घेवर की वीडियो डाली है, उसके अंदर मैंने रबड़ी बनाना आपको सिखाया है। तो इस तरह से आप रबड़ी को बीच में भर दीजिए हल्के हल्के हाथों से और सैंडविच की तरह ऐसे पैक कर दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सी आपकी ये सैंडविच, मलाई सैंडविच कह सकते हैं, बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आप रबड़ी नहीं बनाना चाहते हैं ना तो मैं एक आइडिया आपको और दे रही हूँ। आप फ्रेश मलाई लीजिए घर की और उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिक्स कीजिए और थोड़ी सी चीनी मिक्स कीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए। आपकी घर में इंस्टेंट रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने अपनी सैंडविच को प्लेट में सजा दिया है। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता बारीक कटा हुआ और गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से इसे डेकोरेट कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी मलाई सैंडविच घर में बन करके तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। थैंक यू।